हेलो फ्रेंड्स, आप लोग बैटर तो कैसे फल हैं। बैक विद दी अनदर वीडियो से यार फिर से आ चुके हैं एक और वीडियो में। आज है 11th of May एंड है परसों मेरा एग्ज़ाम 13 को इंग्लिश का। एंड अभी तो कर रहे हैं इंग्लिश की प्रिपरेशन तो जम के एंड मज़े भी लिए जा रहे हैं साथ में, तो पढ़ाई एंड फन दोनों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन और टेंशन नहीं लेना। ज़्यादा टेंशन लोगे तो सब वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो बिल्कुल फ्री होके, मतलब फ्री ऑफ माइंड विदाउट टेंशन, एकदम आराम से पढ़ो, इंजॉय करो सबके साथ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। नहीं तो ज़्यादा टेंशन लोगे, बढ़ने लोगे तो जो पढ़ोगे वो सब भूल जाओगे, सब मतलब मिक्सअप हो जाएगा, वो खिचड़ी बन जाएगी। तो चलो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड फन करेंगे, स्टडी भी करेंगे एंड कुछ टिप्स भी दूंगा आपको मैं इंग्लिश से रिलेटेड। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स यार सी राइट नाउ इट्स रेनिंग विथ अ लिटिल बिट ऑफ सनलाइट, मतलब कि काफ़ी टाइम बाद बारिश हो रही है। वैसे गर्मी में तो मतलब बारिश इतनी जल्दी नहीं होती, अभी तो मई ही है, ऑलमोस्ट 10th 11th में आ जाए, ऑलमोस्ट 15 के बाद होती है, बट इस बार थोड़ा ज़्यादा ही जल्दी हो गया ये तो। एवरीवन तो अभी हो रहे हैं रात के 12 या रात के 12 एग्जैक्ट 12 हो गए 00। ऑलमोस्ट दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए मैंने, दोनों हिंदी वाले, इंडिगो एंड द रैक्टर, यही सबसे ज़्यादा टाइम तो कंज्यूमिंग चैप्टर थे। उसके बाद है इमास्ट आई देन हो लेवल, तो वैसे मैं आपको प्रिफर करूँगा अगर आपको बुक पढ़ना जल्दी लग रहा है, मैं तो पढ़ लेता हूँ जल्दी जल्दी क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ अच्छे से, तो मुझे समझ में आता है, बस मुझे एक बार फिर से रिमाइंड करने के लिए। तो वैसे तो मैं वीडियो लेक्चर जरूर देखूँगा, तो आप भी वीडियो लेक्चर जरूर से देखो अगर आपने अब तक नहीं देखा। वैसे छोटे छोटे वीडियो लेक्चर भी आते हैं शॉर्ट वाले, समरी वाले, तो हर चैप्टर भी देख लो। एंड हाँ, पोएम्स पे ध्यान देना, वैसे पोएम पे ध्यान देने का मतलब कि जैसे आप पोएम पढ़ रहे हो ना, तो ये जरूर ध्यान देना अगर उसमें कुछ ऐसा वर्ड हो जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हो, एकदम नया वर्ड हो, तो उसको एकदम ज़रूर से देख लेना। क्योंकि ऑलमोस्ट हर बार ऐसा होता था कि पोएम में कुछ ऐसे वर्ड्स होते थे न्यू जिनके बारे में जानते, पूछ देता था व्हाट डज इट मीन्स, मतलब इसका मतलब क्या है वो सेंटेंस में, आप उस फ्रेज में या फिर उस प्रोज में उसका मतलब क्या है, तो मुझे ध्यान से देख लेना। एंड ये चैप्टर्स में बात करें तो चैप्टर्स में हाँ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन करना, समरी को थोड़ा सा सुनना समझना हाँ लेक्चर में। एंड उसके बाद क्वेश्चन करना क्या, बस एक ना शॉर्ट जैसे होता बस देखना, ज़्यादा रीडिंग करें चक्कर मत पड़ना, मतलब वीडियो देखने के बाद लेक्चर के बाद इसको जल्दी जल्दी पढ़ना। अगर पढ़ पाओ, आपके पास स्पीड हो, अगर स्पीड में पढ़ लेते हो तो पढ़ लेना है, अगर उसमें कुछ ऐसा वर्ड लगे कि नहीं यार थोड़ा नया वर्ड है, या कोई ऐसा सेंटेंस या कोई ऐसा मतलब पैराग्राफ मिलेगी जिन्हें जो लगे कि यार ये कुछ यूनिक सा है ना, तो उसको हाईलाइट करके उसको ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन उससे उठ के आ जाए। एंड इंडिगो चैप्टर में डेट से याद रखना और कैरेक्टर्स की स्पेसिफिक, जैसे उसमें रामकुमार शुक्ला जी हैं तो उनके बारे में अच्छे खासे स्पेसिफिकेशन, मतलब कि उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके, मतलब और भी मतलब उसमें जो भी उनके बारे में वो अच्छे जानते हैं, मतलब जो भी कैरेक्टर हो उसके बारे में आप अच्छे से जानने की कोशिश करना, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन कर देते हैं हर बार, तो ध्यान रखना कि आपको कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानना है। एंड ग्रामर की बात करें तो आज तो मतलब नहीं है ग्रामर पढ़ूँगा, ग्रामर कल पढ़ूँगा, तो मिलते हैं सीधे कल। अब सोऊंगा सुबह, वैसे तो मेरा टाइमिंग लेट होने का है लेकिन आज काफ़ी जल्दी सो जा रहा हूँ, तो मिलेंगे कल सुबह एंड करेंगे ग्रामर के ऊपर। एंड एक बार फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूँगा लिटरेचर पे, तो चलो मिलेंगे सुबह सब, बाय, गुड नाइट। जैसे गुड नाइट बोलने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि मैं तो सो जाऊँगा, आपको वीडियो देखने में मिलेगी। चलो कल मिलते हैं। तो अभी हो रहे हैं शाम के 5 एंड अभी तक मैंने कर लिए अपने ऑलमोस्ट सारे लिटरेचर के चैप्टर्स कम्प्लीट, सिर्फ ग्रामर बचा हुआ है। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि वीडियो लेक्चर्स अगर आप चाहो तो देखो, तो चाहो एक्चुअली बुक्स काफ़ी मतलब चैप्टर्स बहुत ही नॉर्मल हुए एम्ब्रॉयडरी वाले, तो अगर आप सोचो कि नहीं मैं पूरा पढ़ लूँगा, तो आज के दिन मतलब लास्ट है आज का एग्ज़ाम है, तो कुछ नहीं कर पाओगे। एंड मतलब अभी भी आपके पास टाइम है, आपके पास अभी 4-5 घंटे हैं, तो अगर आप चाहो तो आराम से वीडियो लेक्चर देख के कम्प्लीट कर सकते हो, क्योंकि मुश्किल से 15 से 25 मिनट का, क्योंकि मैंने अभी देखा तो 15 से 20 तक आ रहा है ना, बाद 25 मिनट मान लो मैक्सिमम जाएगा। अब स्पीड डबल करके देखें ना, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बोलते, तो मैं स्पीड बढ़ा के देख रहा था। एंड बाकी जो मैं पूरे वक्त नोट्स भी बनाते रहना उसके, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ नोट बनाने, तो बाकी ये मैंने एक चैप्टर का शॉर्ट नोट, मतलब ये शॉर्ट टाइप के सब कुछ है, राइटर का नेम
कहाँ कोई जगह क्या क्या उसमें मतलब इंसिडेंट क्या था, सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन से उसमें कैरेक्टर्स हैं, किसके बाद में ये क्या लास्ट में है, और ये सब कैरेक्टर के फीचर कैप्टन वन चल के अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्या चीज़। हाँ तो आप ऐसे लेक्चर देखते रहना, तो बीच बीच में शॉर्ट नोट लेते कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत देख लेना क्या है फिल्म नेम और ये सब कुछ वो हाईलाइटेड चीज होते थोड़ा बुक से क्रॉस रेफरेंस लगा लेना। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि कौन सा क्रॉसिंग करेंगे कौन सा करेंगे आप ये चीज़ मिलेगी आपको, तो आप वहाँ पर मैच कर लेना ध्यान से। एंड और कुछ नहीं भी बचा है ग्रामर सेक्शन तो मैं आपको ग्रामर दिखाता हूँ। ग्रामर में ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बस एक लेटर है एंड रिपोर्ट राइटिंग है। लेटर में दो टाइप की लेटर है, एक तो एप्लीकेशन के लिए है, एक रिप्लाई लेटर है इन्विटेशन और ये और उसके बाद रिपोर्ट, तो दोनों में आपको फॉर्मेट पर ज़्यादा ध्यान देना है। फ्रेंड्स मैंने ग्रामर प्रैक्टिस कर लिया एंड रिपोर्ट और एक जॉब एप्लीकेशन वाला लेटर और एक रिप्लाई वाला, तो उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आपका फॉर्मेट ही होता है हर चीज़ में। कंटेंट तो आप बना के लिख लोगे, स्टार्टिंग के कुछ लाइन कॉमन होते हैं। तो रिपोर्ट का फॉर्मेट ऐसा होता है कि पहले आपको लिखना पड़ता है आपका टॉपिक, जो आपका टॉपिक होता है एंड टॉपिक के बाद आप लिखने मतलब आप लिख रहे हो तो आपका नाम अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा जिसका नाम हो, और फिर अगर आप किसी स्कूल से हो या फिर कोई न्यूज़ रिपोर्टर हो तो किस प्रेस मीडिया से हो, प्रेस मीडिया मतलब न्यूज़ वाला कौन से हो, किस न्यूज़पेपर से या किस मीडिया चैनल से हो तो उसका नाम, उसके बाद किस लोकेशन का है वो लोकेशन, उसके बाद होता है आपका डेट। तो डेट ऑफ फॉर्मेट आप पूरा या न्यूमेरिक लिख सकते हो या बीच में आप थोड़ा चाहो तो वो अल्फा न्यूमेरिक वाला भी अल्फाबेटिक जैसे जनवरी 15 से करके लिख सकते हो। डेट आपकी मर्जी के ऊपर आप चाहे जिस फॉर्मेट में लिखो बट डेट कंपलसरी होता है। फिर आपको एक लाइन छोड़ के उसके बाद आपको पूरा कंटेंट लिखना पड़ता है, तो पूरा कंटेंट आप लिख देना। कंटेंट में आपको हर चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है, तो अगर आपने आपको नहीं पता कंटेंट कैसे लिखना है तो आप जाओ सर्च करो CBSE सैम्पल पेपर, तो एक साइट ओपन होगी तो वहाँ पे ऐसे आप मार्किंग स्कीम डाउनलोड कर लो तो आपको वहाँ से मिल जाएगा तुरंत, नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो मेरे ड्राइव पे अपलोडेड है तो आप उसको वहाँ से देख सकते हो आराम से। तो आप देख लेना मार्किंग स्कीम ताकि आपको समझ में आ जाए क्या करना है, क्योंकि अभी भी काफ़ी टाइम है, आप चाहो तो आराम से उसे रिवाइज कर सकते हो। फिर लेटर के तो लेटर में दो टाइप होता है, एक इनफॉर्मल एक फॉर्मल। तो फॉर्मल लेटर में आपका ना दोनों एड्रेस होते हैं, सेंडर का यानी आपका और रिसीवर का भी एड्रेस होगा, और इनफॉर्मल में सिर्फ रिसीवर का एड्रेस होता है इनफॉर्मल। तो वैसे ये इनफॉर्मल लेटर तो आपका इनविटेशन वाले में आ सकता है, तो उसमें आपको सिर्फ रिसीवर का एड्रेस लिखना पड़ेगा, इसमें आपके रिलेटिव्स को हो सकता है आपके फ्रेंड लोग को, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हाँ फॉर्मेट पे ध्यान देना एंड कंटेंट, एंड आप लेटर अच्छे से लिखना चाहते हो ना तो एक चीज़ ध्यान रखना कि कुछ यूनिक ट्राई करो, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको नए मतलब थोड़े से यूनिक टाइप के हो ना तो वो आप इम्प्लीमेंट करोगे ना तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। एंड कोशिश करना थोड़ा सा क्लीन थोड़ा दूर दूर लिखने का एंड फॉर्मेट पे ध्यान देना। और लास्ट में जो आपका सैल्यूटेशन होता है योर सिंसियरली योर ट्रूली योर थैंकफुल, इस पे ध्यान देना कि आप किसको लेटर लिख रहे हो। हाँ तो बस यही ध्यान देना सैल्यूटेशन में कि क्या लिखना है आपको, और कुछ तो ज़्यादा खास चीज़ें हैं नहीं ग्रामर में। लिटरेचर पर आप ध्यान दे देना अच्छे से, और पैसेज में भी पैसेज के क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के आपसे कुछ ट्रिकी टाइप पूछता है तो पैसेज को आराम से पढ़ना। और एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, जब आपको 15 मिनट मिलता है ना पेपर पढ़ने के लिए तो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, और अगर ऑप्शनल ही होता है तो उसमें मतलब जो क्वेश्चन आंसर भी होते हैं ना तो आप एक पेंसिल लेना और आपको जो पैसेज में आंसर दिखे ना एग्जामिनर वैसे जो भी इन्विजिलेटर होते हैं उतना ध्यान नहीं देते हैं, तो आप आराम से पेंसिल से छोटे छोटे मार्क लगा लेना तो आपका 15 मिनट टाइम भी यूज़ हो जाएगा। आप पूरा टाइम पैसेज में देना 15 मिनट, आपको जो 15 मिनट पहले मिलेगा ना आप पूरा पैसेज पढ़ना, पूरा पूरा मत पढ़ना, बस आपको पैसेज पढ़ना है और उसमें आंसर निकालना है। उसके बाद आपका लिटरेचर से कहना तो आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, लिटरेचर में तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको आंसर आना चाहिए, तो वैसे कोई सोचने वाला तो है नहीं, तो आप पहले 15 मिनट में पैसेज पर पूरा टाइम देना उसको भी ताकि आपको दिक्कत ना हो टाइम मैनेजमेंट में। 15 मिनट आप पूरा पैसेज भी देना, उसके क्वेश्चन भी कर लेना, और ग्रामर सेक्शन भी बहुत ज़्यादा है नहीं, आपको लेटर और रिपोर्ट ये सब लिखना है तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आप सुबह लिखते टाइम ही सोचना और लिखते रहना। सो बस इतना ही था, अब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इंग्लिश का पेपर, तब बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होना पढ़ाई कर रहे हो तो, और एकदम आराम से टाइम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के थोड़ा बहुत अगर रिविज़न करना होगा तो कर लेना एंड टाइम से नहा धो सेंटर पहुँच जाओ। एंड कल का अलग व्लॉग आएगा एक, और मैं कल कोशिश करूँगा थोड़ा जल्दी पहुँचने का सेंटर पे। तो बस इतना ही था आज के लिए, सब कुछ तो बता ही दिया मैंने आपको, ट्राई करना थोड़ा यूनिक रहने का अपने आंसर में लेटर रिपोर्ट ये सब में, कुछ नए वर्ड्स का यूज करना, फॉर्मेट पे ध्यान देना बिल्कुल ध्यान से। तो बस और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस पढ़ो टाइम से सो जाना एंजॉय करो, सुबह जल्दी उठना अगर चाहो तो, नहीं तो आराम से सो भैया 8 बजे तक उठना सेंटर पर जाना ही चाहते हो, तो जैसे भी आपके टाइमिंग हो सेंटर पर पहुँचने का उस हिसाब से अपना उठना आराम से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया तो आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी,
और बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइज, बाय।